भाजपा के वरिष्ठ नेता और गोवा की पूर्व राज्यपाल मृदुला सिन्हा का 78 साल की उम्र में आज बुधवार 18 नवंबर को दिल्ली में निधन हो गया। वो बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली थी। वो साल 2014 से 2019 तक गोवा की राज्यपाल रही। मृदुला सिन्हा संवेदनशील नेता होने के साथ साथ प्रसिद्ध साहित्यकार भी थी। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम दिग्गजों ने शोक जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिन्हा के निधन पर दुख जताते हुए ट्वीट किया, लोक सेवा को लेकर अपने प्रयासों के खातिर श्रीमती मृदुला सिन्हा याद की जाएंगी। वो एक कुशल लेखक भी थी और साहित्य के साथ साथ संस्कृति के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। उनके निधन से दुखी हूँ। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं। ओम शांति। मृदुला सिन्हा का जन्म 27 नवंबर 1942 को बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ था। वो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य रह चुकी थी। उन्होंने 72 वर्ष की उम्र में 31 अगस्त 2014 को गोवा के राज्यपाल के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। मृदुला सिन्हा सुविख्यात हिंदी लेखिका के साथ साथ भाजपा की केंद्रीय कार्य समिति की सदस्य भी रही। इससे पूर्व पांचवा स्तंभ के नाम से एक सामाजिक पत्रिका निकालती रही। उनके पति डॉक्टर राम कृपाल सिन्हा बिहार में कैबिनेट मंत्री और केंद्र सरकार में राज्य मंत्री रहे हैं। इसके बाद मृदुला भी राजनीति में सक्रिय हो गई। लोकमत हिंदी की तरफ से मृदुला सिन्हा को विनम्र श्रद्धांजलि। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।